नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो अप्रैल आने के बाद भी नहीं पड़ रही है गर्मी, दिल्ली समेत इन राज्यों में आसार जैसा है मौसम। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला अभी चल रहा है। अप्रैल माह के लगभग हर दिन जो है सुबह शाम जो है बादलों के गड़गड़ाहट, कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए हुए हैं, तो कहीं वर्षा जो है देखने को मिल रही है। वह दिल्ली एनसीआर में आज भी कुछ इलाकों में सुबह की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर छाए रहे, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। वही खबरों का कहना है कि फरवरी में गर्मी बढ़ने के उपरांत मार्च और अप्रैल माह में वर्षा का दौर मानसून का एहसास भी करवा रहा है। दिन हो रही वर्षा से चैत्र माह में भी आषाढ़ महीने जैसा जो है मौसम लग रहा है। हालांकि ये बारिश जो है किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होने लगी है। दरअसल मौसम विभाग का इस बार यहाँ पर कहना है कि आज जो है दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। रोहतांग, हरियाणा में भवानी और आसपास के इलाकों में यहाँ पर बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। वह देश के अन्य इलाकों की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसी जो है स्काईमेट वेदर, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम हमारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। यह मौसम जो है दो दिन तक यहाँ बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा और कुछ हिस्से राजस्थान के जो उत्तर के इलाके हैं, इसके अलावा दिल्ली और पश्चिमी यूपी में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में बौछारें वगैरह पड़ सकती है। वही खबरों का कहना है कि यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि शेष पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम और असम और मेघालय में कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में कुछ इलाकों में भी मौसमी बदलाव जो है देखने को मिल सकता है, यानी मौसम में जो बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी उत्तराखंड के मौसम की, तो उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। मार्च के ही यहाँ पर अप्रैल में भी बारिश यहाँ पर कुछ हो रही है, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि तो कुछ इलाकों में तेज हवा और धूप का यहाँ पर धूप की आंकमचोली लगातार चल रही है। वही मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में यहाँ पर ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जब कुछ इलाकों में धूप निकली रहेगी। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी एवं पश्चिमी यूपी कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वही मौसम विभाग के अनुसार शामली, मुजफ्फरनगर और खेतली और बागपत, मेरठ, मोदीनगर में बारिश के आसार है। बता दें आपको कि आज सुबह यहाँ पर लखनऊ में कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। वही लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 19 के आसपास रह सकता है। वह उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर कहा गया है कि आज मौसम मिला जुला रहेगा। सुबह सुबह यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दिन में यहाँ पर बादल कुछ इलाकों में छाए रह सकते हैं, यानी बादल वगैरह छाए रहने के आसार है। वही पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश और चोटियों पर हिमपात की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार जताए गए हैं। बात हम करते हैं राजस्थान के मौसम के अपडेट की, यहाँ पर बात कर लेते हैं राज्यभर में, तो राजस्थान के मौसम को लेकर अपडेट यह है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। 7 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं राजस्थान के अंदर। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में है जो बदलाव उसमें देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीकर, जयपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है और कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे हैं। राजस्थान मौसम विभाग के माने तो आज जो है भरतपुर, कोटा और अजमेर कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल वगैरह छाए रहने के आसार है। वही बीकानेर में और उत्तर पश्चिम राजस्थान के बाकी इलाकों में आंधी का असर जो है धीरे धीरे आज कम होने लगेगा, यानी ये मौसमी बदलाव जो है देखने को मिल सकता है। और कल से लगातार कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए हुए थे और बारिश यहाँ पर हो रही थी। राजस्थान मौसम विभाग के माने तो आज फिर से मौसम में जो बदलाव आने वाला है, वह प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम भी शुष्क रहने भी लगेगा और बदलाव जो है वो पूरा देखने को मिलेगा। भरतपुर भाग में इसका जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सवाईमाधोपुर, टोंक और बूंदी और भीलवाड़ा में भी कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए रहने की बात कही गई है। वही पश्चिम राजस्थान के बीकानेर के क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा इसका पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम की, तो आखिर एमपी का मौसम आने वाले 24 घंटों में किस तरह का रहने वाला है, एमपी में मौसम कैसा रहेगा। तो एमपी की बात कर लेते हैं तो एमपी में भी लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल
मध्य प्रदेश का यहाँ पर कई इलाकों में दिन में यहाँ पर तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर मौसम प्रणाली सक्रिय है, साथ ही हवा का रकर जो मतलब हवा की दिशा जो है रुख जो है से हम रुख कहते हैं, रुख जो है अभी उत्तर पश्चिम बना हुआ है। वही हवाओं के साथ अरब सागर से लगातार नमी आने के कारण एमपी में लगातार कई शहरों में बादल छा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में कई कई बूंदाबांदी हो सकती है। इधर बादलों के कारण कल भी यहाँ पर सभी जिलों में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 38 के आसपास रहा है। राजगढ़ और नर्मदापुरम का यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान जो है अभी दर्ज किया जा रहा है। वही मौसम विभाग के अंदर से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान उसके आसपास पर बना हुआ एक ट्रपलाइन विदर्भ से होकर तमिलनाडु तक बनी हुई है। वही मौसम विभाग के अंदर के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी जो है अजय शुक्ला, उन्होंने बताया है कि दो मौसम प्रणालियों के अलावा हवा का रुख जो है उत्तर पश्चिम अभी यहाँ पर बना हुआ है। वही पश्चिम हवाओं के साथ अरब सागर से मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश अधिकतर जगहों में बादल वगैरह छा रहे हैं। वही आज अधिकतर इलाकों में यहाँ पर बादल वगैरह छाने का एहसास जताया गया है। जबलपुर और ग्वालियर और इसके अलावा चंबल और भोपाल संभाग के जिलों में यहाँ पर बादल वगैरह छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। वही राजस्थान, एमपी और यूपी के बाद बात कर लेते हैं सीजी के मौसम अपडेट की, तो आखिर सीजी यानी छत्तीसगढ़ के मौसम में कैसा यहाँ पर बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। तो बात करें छत्तीसगढ़ की, तो मार्च के आखिरी 10 दिनों में हुई बरसात से अब तक अप्रैल में तपिश से और फिर से बढ़ने लगी है। वही मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का मिजाज भी ऐसा ही रहेगा। द्रोणिका के प्रभाव से कल देर शाम को यहाँ पर कुछ इलाकों में मौसम बदला और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश हुई। दरअसल कल जो है रायपुर सहित प्रदेश के अधिकतम इलाकों में यहाँ पर तापमान न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन दोपहर की तपिश बढ़ने लगी है। वही रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहने के कारण 36.6 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, यानी 36 डिग्री के आसपास अभी जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रायपुर और आसपास के इलाकों में मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। बात अब कर लेते हैं यहाँ पर, अभी बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के बाद और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद, आपको एक बार लेके चलते हैं गुजरात। आखिर गुजरात में कैसा रहने वाला है मौसम, तो बता दें आपको कि गुजरात के विविध हिस्सों में एक बार फिर से यहाँ पर मौसम ने करवट ली है। इसके चलते कल जो है सौराष्ट्र कच्छ में कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश हुई, साथ ही ओले भी गिरे हैं। राजकोट के कई जिलों में यहाँ पर, राजपुर जिले के कई इलाकों में जो है बारिश के कारण मार्केटिंग यार्ड खुले में यहाँ के कसिन जो ऊपर जो है वो भीग गई। इधर कच्छ जिले के गांधीधाम, तहसील के कुछ गांवों में भी यहाँ पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, इससे यहाँ पर फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वही मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन के लिए राज्य में कई कई आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जो है गुजरात के अंदर जारी की है, यानी गुजरात में हल्की मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। वही राज्य में कई कई आंधी के साथ साथ बारिश की चेतावनी है। राज्य में बीते करीब एक माह से बदले मौसम के चलते जगह जगह पर बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो रही है, इससे किसान जो है चिंतित है गुजरात के, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने फसलों को हुए नुकसान के सर्वे को भी यहाँ पर बढ़ाया है। ये सर्वे प्रक्रिया पूरी जो है हो इस बीच यहाँ पर कल जो है राजकोट के गोडला तहसील में कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे गेहूं, चना, प्याज और लहसुन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। गांधीधाम तहसील के पाडना इलाके में भी बारिश के बीच ओला गिरे हैं। कई जगह पर मौसम का मिजाज बदला है। अहमदाबाद शहर में भी कल सुबह बादल छाए हुए थे, आज अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में यहाँ पर बेमौसम बारिश की आशंका है। वही मौसम विभाग ने विभिन्न इलाकों में बारिश और यहाँ पर आंधी की बात कही है। वही आज अहमदाबाद, आरण और आनंद और इसके अलावा द्वारिका, जामनगर, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर और कच्छ जिले में बारिश हो सकती है। वही इस दौरान कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। इस तरह बनासकांठा, साबरकांठा और गुजरात के बाकी जिलों में भी इस तरह के मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, यानी गुजरात में लगातार जो मौसमी बदलाव है वो देखने को मिल रहा है।